दोस्तों, मैं भी टास्क खोली यूट्यूब पे अपनी थर्ड वीडियो लेके आऊँ। थर्ड वीडियो जो लेके आऊँ वो लेके आऊँ पिछले साल के फाइनलिस्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन के 2023 के। मैं बात कर रहा हूँ स्टेफनोस सिसिपास। दो फाइनलिस्ट थे, नोवाक जोकोविच, जोकोविच तो विनर थे, और जो फाइनलिस्ट थे वो थे स्टेफनोस सिसिपास। उसी के रिगार्डिंग पोस्ट मैच टेनिस लेके आया। उनका जो मैच था, मैच था बेल्जियम के प्लेयर, वैसे मैच उनका मैट्यू बेरेटिनी के साथ होना था, मैट्यू बेरेटिनी ने विदड्रॉ कर दिया, तो इसलिए उनका मैच जो है वो लकी लूजर के साथ हुआ, बर्ड्स के साथ हुआ। बेल्जियम के प्लेयर हैं, अच्छा प्रदर्शन करते हैं। फिलहाल स्टेफनोस सिसिपास ने उनके साथ एक मैच पहले भी खेला था, उसमें विजेता हासिल हुई थी और इस बार भी जीत के विजेता हासिल हुई है। दोस्तों, एटीपी रैंकिंग 7 ने बताया कि भाई सीडेड प्लेयर है, बट पहला जो सेट है वो बर्ड्स ने बताया कि भाई वो भी बढ़िया प्लेयर है। जरूर वो लकी लूजर की तरफ से हैं, बट प्रदर्शन वो भी काफी बढ़िया करते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों पोस्ट मैच एनालिसिस में। उससे पहले एक बार फिर से यही बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट्स आपको पोस्ट मैच, प्री मैच, सारे ब्लॉग से रिगार्डिंग मिल सके। अगर मैं दोस्तों बढ़ूँ पहले सेट की ओर, तो पहले सेट में शुरुआत दोनों प्लेयर्स की अच्छी रही। 1-1 सर्विस गेम, 2-2 सर्विस गेम, 3-3 सर्विस गेम, 4-4 सर्विस गेम, 5-5 सर्विस गेम। उसके बाद बर्ड्स ने स्टेफनोस सिसिपास की सर्विस गेम ब्रेक की, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 7-5 से पहला सेट अपने नाम किया। देखा जाए काफ़ी प्लेयर्स हैं जो फर्स्ट राउंड में 7-5 से जीते हैं, बट वो बाद में हार गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले सेट में अच्छा प्रदर्शन किया, सेकंड थर्ड सेट में नहीं। इसका ये भी बोल सकते हैं कि धीरे धीरे जो उनके अपोनेंट प्लेयर है वो दबाव अपना क्रिएट करने में और ज़्यादा अच्छे रहे, जैसे फर्स्ट सेट में नहीं कर पाए। सेकेंड सेट की बात की जाए तो सेकेंड सेट में सिर्फ वन साइडेड ट्रैफिक रहा। क्यों? क्योंकि स्टेफनोस सिसिपास अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड सर्विस गेम ब्रेक, अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा और 6-8 से सेकंड सेट जीता। थर्ड सेट में 8 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। सेकंड सेट में 2 बार सर्विस गेम ब्रेक थी, 6-8 से जीता। थर्ड सेट में उन्होंने 3 बार सर्विस गेम ब्रेक की, 6-8 से जीता। अगर मैं फोर्थ सेट की बात करूँ तो फोर्थ सेट में भी शुरू में ही उन्होंने सर्विस गेम 1 बार नहीं, 2 बार ब्रेक कर दी थी। उसके बाद 5-2 पे सर्विंग फॉर द मैच करवा रहे थे, तब बर्ड्स ने सिसिपास की 1 बार सर्विस गेम ब्रेक की। लग रहा था कि इस बार भी ट्विस्ट हो सकता है, बट स्टेफनोस सिसिपास डबल ब्रेक अप थे। बर्ड्स 8 ब्रेक तो खत्म कर दी थी, सेकेंड ब्रेक भी खत्म करना था, वो जो नहीं कर पाए। और सिसिपास अपना चौथा सेट जो मैच में थर्ड सेट अपना है वो जीते, और जो ऑफिशियल मैच में फोर्थ सेट था वो जीते 6-3 से। पहला सेट हारने के बावजूद अगले 3 सेट्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा और उनसे उम्मीदें बढ़ रही हैं, क्योंकि वो पिछले साल के फाइनलिस्ट हैं। पिछले साल पहली बार हुआ था फाइनलिस्ट में गए थे, क्योंकि वो सेमीफाइनल में बाहर हो जाते थे। वो इस बार चाहेंगे कि भाई फाइनलिस्ट से भी ऊपर जाएं और ग्रैंड स्लैम जीत कर बताएं। क्या लगता है दोस्तों, कैसा प्रदर्शन करेंगे, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिलहाल दोस्तों मैं इनमें स्टैट्स बढ़ लेता हूँ। हेड टू हेड में सेकेंड मैच था जिसमें भी विजेता हासिल किया, तो हेड टू हेड में 100% रिकॉर्ड हो गया है। अगर मैं बात करूं ये वाले मैच के स्टैट्स में, तो देखा जाए एसी स्टेफनोस सिसिपास ने ज्यादा लिए बर्ड्स के एज कम्पेयर टू। डबल फॉल भी कम किए। मेन आता है ब्रेक पॉइंट्स। ब्रेक पॉइंट्स स्टेफनोस सिसिपास के ज्यादा अपने कन्वर्ट नहीं होने दिए। स्टेफनोस सिसिपास की 2 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई, 1 फर्स्ट सेट में, 1 फोर्थ सेट में। दूसरी ओर देखा जाए बर्ड्स फर्स्ट सेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया, बट थर्ड सेट में भी उनकी 2 बार सर्विस गेम ब्रेक हुई थी, जैसे फर्स्ट सेट में नहीं कर पाए थे बट सेकंड सेट में किए थे। तो फोर्थ सेट में भी 2 बार सर्विस गेम ब्रेक, लगातार 3 सेट में 2-2 बार सर्विस गेम ब्रेक, तो धीरे धीरे उनकी मोमेंटम परफॉर्मेंस अच्छी हो रही थी और वो यही चाहेंगे अपने आने वाले मैचेस में करना। इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या करेंगे, कैसी परफॉर्मेंस रहने वाली है। और अभी के लिए चलता हूँ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।